Okay, I hope everyone has joined. So, class five composite restorations को किस तरह करेंगे और कब करेंगे? Let's suppose you have started placing a composite restoration and now between the restoration you feel के there is a void, ठीक है, कोई void आ गया, ठीक है, अब आप restoration कर ही रहे थे, आपने अब तक उसको finish नहीं किया था, ठीक है, आपने कॉम्पोजिट का इंक्रीमेंट लगाया और अब आपने उसको क्योर किया और आपको लग रहा है वॉइड आ गया, या आपको लग रहा है कि आपको इस जगह पे दोबारा कॉम्पोजिट लगाना है, तो उस कंडीशन में जब आपने उसके ऊपर बर नहीं लगाया है, उसको रिकॉन्टोर नहीं किया है, उसको फिनिश नहीं किया है, तो यू कैन ऑलवेज प्लेस अ कॉम्पोजिट इंक्रीमेंट ओवर इट, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आखिरी इंक्रीमेंट होता है उसके ऊपर ऑक्सीजन इनहिबिटेड लेयर लगी हुई होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन इनहिबिटेड लेयर जो होती है वो ऑक्सीजन इनहिबिटेड लेयर की वजह से दोबारा कॉम्पोजिट अटैच हो जाएगा उस जगह पे, ठीक है, दोबारा कॉम्पोजिट उसके ऊपर अटैच हो जाएगा, जो आखिरी लेयर लगाई होगी उसके ऊपर ऑक्सीजन इनहिबिटेड लेयर होगी और उसके ऊपर दूसरा इंक्रीमेंट ऑफ कॉम्पोजिट अटैच हो जाएगा अगर आपने उस पर बर नहीं लगाया है अब तक, तो आपने उसको कॉन्टोर नहीं किया है, आपने उसके साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की है, कोई कॉन्टोरिंग नहीं की है, तो अब वो कॉम्पोजिट आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्लास फाइव रेस्टोरेशन की और क्लास फाइव रेस्टोरेशन करने के बाद आपने उसको फिनिश कर लिया और अब आपको लगता है कि आपको कहीं कॉम्पोजिट को ऐड अप करना है, तो अब जहन में रहे कि अब नहीं ऐड हो सकता कॉम्पोजिट, अब आपको दोबारा एच करना पड़ेगा, उसके ऊपर से डेब्री हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो ऑक्सीजन इनहिबिटेड लेयर आपने हटा दी है, तो जब तक ऑक्सीजन इनहिबिटेड लेयर नहीं हटी होती, यू कैन डायरेक्टली प्लेस कॉम्पोजिट ओवर इट, एंड इफ द oxygen inhibited layer has been removed, now you have to etch again, you have to place the bonding agent again and you have to cure it and then you have to place the composite again. So repairing of class 5 composite restoration mein ye baat zehen mein rakhe, maine apne zamane mein baat suni thi ki mujhe kisi ne bataya tha ki bhai composite ko aap jab aap composite aap kar le aur aapko lage ki ab aapne composite aapko kahin aur add karni hai to aap usko add फॉरन ही कर, आप उसको फॉरन जो है वो दोबारा एच बॉन्ड करें और उसके ऊपर जो है वो आप दोबारा कॉम्पोजिट लगा दें, तो अगर आपने कॉन्टोरिंग नहीं की है अब तक तो आपको एच बॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, और अगर कॉन्टोरिंग कर दी है तो अब एच बॉन्ड कर लें आप और फिर कॉम्पोजिट लगाएं, ठीक है जी। ये क्या चीज है कोई बताएगा? ये मैट्रिसेस हैं, क्लास फाइव रेस्टोरेशन के मैट्रिसेस हैं, ठीक है, हमारे सेटिंग में बहुत कम नजर आते हैं इसलिए मैंने पिक्चर लगा दी, ठीक है, अगर आप अमेलगम कर रहे होंगे तो किताब में तस्वीर बनी हुई है कि एक तरफ प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट रखकर आप कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू यूज अ सर्वाइकल फॉर्मर और यू यूज अ सर्वाइकल मैट्रिस फॉर दिस, ठीक है, बट दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट सिंस लॉन्ग, ठीक है जी। फिनिशिंग किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो कोशिश करें कि आपको रेस्टोरेशन को फिनिश करने की जरूरत ही ना पड़े विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग एल्स, आप जो रेस्टोरेशन करें उसके बाद उसके ऊपर आप सिलिकॉन पैड्स यूज करें या सिलिकॉन आप ब्रशेस यूज करें और अच्छे ब्रशेस यूज करें और उससे इतनी फिनिश्ड रेस्टोरेशन कर दें कि आपको जरूरत ही ना पड़े करनी पड़े फिनिशिंग की, बिकॉज कीप इन माइंड दैट द गम इज वेरी नियर टू दिस, यू स्टार्ट फिनिशिंग, एक और भी चीज होती है कि when you start finishing, what happens is you can now whatever you've done is you've done the right way, but now you start finishing and now you actually violate the biological bit with the help of your burr, with the help of the patla burr. हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो के prefer नहीं करते loops में use करना. I always tell के whenever you are doing such restorations or endodontics or whatever you are doing in the mouth, you have to use loops and you have to use magnification and illumination. If you are using magnification and illumination, there is very less chances that you make mistakes like that. ठीक है, आप बहुत conservative dentist हो जाते हैं, बहुत वैसे ही बहुत finished restoration करेंगे कि आपको जरूरत ही ना पड़े, और फिर finishing करते हुए आपको अगर loops नहीं पहने हुए होते तो जो fine finishing बर होता है येलो बैंड उसकी टिप ही नजर नहीं आ रही होती है, तो यू कैन नॉट सी कि वो टिप कितनी आप जिंजिबा में घुसेड़ चुके हैं, ठीक है, तो ऑलवेज यूज योर इंस्ट्रूमेंट्स इन अ लेजिटिमेट वे, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे 12B ब्लेड यूज करेंगे और वो ब्लेड से सर्वाइकल लेवल पे चेक करेंगे कोई ओवरहैंग तो नहीं है, ठीक है, और अगर कोई ओवरहैंग होगा तो इसी ब्लेड से ही रिमूव हो जाएगा ओवरहैंग, ठीक है, और उसको फिर आप अच्छी तरीके से डायमंड बर्ड से फिनिश कर लें, ठीक है, 12 फ्लूटेड डायमंड बर्ड्स आते हैं जिससे आप फिनिश कर लें उसको,
ठीक है, आप कार्बाइड फिनिशिंग बर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डायमंड फिनिशिंग बर्ड्स ज्यादा अच्छे होते हैं। देन यू हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिस्क, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिस्क यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। डिस्क सर्वाइकल एरिया में इतनी अच्छी तरीके से नहीं चलती, लेकिन अब बिल्कुल सॉफ्लेक्स डिस्क का बिल्कुल छोटा साइज भी आता है, यू कैन ऑलवेज यूज सॉफ्लेक्स डिस्क का छोटा साइज, या शोफू की किट आती है उसके अंदर भी छोटी डिस्क होती हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डायमंड पॉलिशिंग पेस्ट आते हैं, ठीक है, ल्यूसिडा के नाम से भी एक पेस्ट आता है जो कि स्टाइल इटालियनो का पेस्ट है, यू कैन यूज दैट एज वेल फॉर फिनिशिंग। कीप इन माइंड फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज यू और फिनिशिंग करते हुए यू कैन यू डोंट हैव, जो आपने कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन की है जो कि गोलाई में है, ठीक है, जो कि अगर आप यहां से देख रहे हैं, अगर आप साइड व्यू में देख रहे हैं, तो आपकी कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन ये गोलाई में है, ठीक है, ये गोलाई है। कभी कभार होता ही है कि हम कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन यूं कर देते हैं, ठीक है, ये डिफेक्ट था, लेट सपोज ये डिफेक्ट था, ठीक है, और हमने कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन यूं कर दी, फ्लैट कर दी, ठीक है, इसका गोलाई मेंटेन करनी है आपने। अगर आप गोलाई मेंटेन नहीं करते हैं, तो कीप इन माइंड कि गोलाई नहीं मेंटेन करने की वजह से जिंजिवल सल्कस का फ्लूइड फ्लो नहीं होता, ठीक है, वहां पे प्लाक अक्यूमुलेशन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ लेस ऑफ बल्क। तो फिनिशिंग करते हुए इस एरिया को फ्लैट ना करें, सीजे के लेवल पे जो बल्क होता है उसको रिटेन्ड रखें, ठीक है। फ्लोएबल कॉम्पोजिट की बात आ गई, पहले भी बात कर चुका हूं, मोर रेजिन है, लेस फिलर कॉन्टेंट है, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ज्यादा होगी, ज्यादा फ्लूइड एब्जॉर्प्शन का चांसेस होगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, ज्यादा चांसेस होंगे कि इसमें स्टेनिंग हो जाए, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसका जाहिर सी बात है ग्रेटर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होगा, ठंडा गर्म लेंगे चांसेस है सेंसिटिविटी के। जो वाहिद मटेरियल है जो कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इसका करीब है डेंटीन के, वो कौन सा मटीरियल है, कौन बताएगा, पिछले लेक्चर की बात है। कौन सा मटेरियल है तू बताएगा, क्या चीज आपने पूछी है? मैं पूछ ही रहा हूँ कि कौन सा मटेरियल है जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्लोज टू द टूथ स्ट्रक्चर है, क्लोज टू द डेंटिन है। आरएमजीआई, यस, रेजिन मॉडिफाइड ग्लास एनोवा सीमेंट या ग्लास एनोवा सीमेंट, ठीक है। इट हैज गुड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड दिस इज व्हाट द ड्रॉबैक ऑफ कॉम्पोजिट्स इज, ठीक है, दे डोंट हैव गुड क्वेश्चन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, अभी भी वो पीछे हैं, ठीक है जी। रेजिलियंस बहुत अच्छी होती है, गुड रेजिलियंस होती है, गुड फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ग्लास एनोवा सीमेंट्स के साथ एक सैंडविच टेक्निक कर लें, ठीक है, सैंडविच टेक्निक में प्लेस कर दें कि आपने बल्क जो नीचे का है वो आपने ग्लास एनोवा सीमेंट से कर दिया और उसके ऊपर आपने लेयर कर दिया कॉम्पोजिट्स को, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस एज वेल, यू कैन रिप्लेस डेंटिन विद ग्लास एनोवा सीमेंट, ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन टू ग्लास एनोवा रेजिन मॉडिफाइड ग्लास एनोवा सीमेंट, ठीक है। सबसे बड़ा मसला ग्लास एनोवा रेजिन मॉडिफाइड ग्लास एनोवा का यही है कि सरफेस डिग्रेड कर जाती है, कोई भी आपने एसिडिक चीज ली वो ऊपर से वो झड़ना शुरू हो जाती है, तो ग्लास एनोवा सीमेंट जब ही कहते हैं कि वो झड़ जाती है और दोबारा उनको रिप्लेस करना पड़ता है, इसीलिए ग्लास एनोवा सीमेंट्स को मना किया गया है कि ग्लास एनोवा सीमेंट्स आप प्रेफर ना करें, लेकिन जहन में रखें कि जहां कॉम्पोजिट नहीं हो सकती वो है, वो चार पॉइंट्स हैं, सलाइवा फ्लो कम होगा, एस्थेटिक ज्यादा नीडेड होंगी, ठीक है, और जो है वो एस्थेटिक कम नीडेड होंगी, या पेशेंट जो है मोटिवेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो इन सारे रीजन में आप ग्लास एनोवा सीमेंट्स करेंगे, ठीक है। बॉक्स शेप कैविटी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बेवलिंग नहीं करते क्योंकि अमेलगम और ग्लास एनोवा मटेरियल्स की एज स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। याद रहे कि अगर रिटेंशन रेट्स की बात हो, कि रिटेंशन रेट्स क्लास फाइव रेस्पिरेशन क्लास फाइव के एरिया में, सर्वाइकल एरिया में रिटेंशन रेट्स में कौन सा मटेरियल ज्यादा बेहतर है, तो इट इज ग्लास एनोवा सीमेंट्स रादर देन कॉम्पोजिट्स, ठीक है जी। कॉम्पोमर पॉली एसिड मॉडिफाइड कॉम्पोजिट्स हैं, कॉम्पोजिशन की तरफ नहीं जाऊंगा, पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल्ड कर ली थी हमने कि इसके अंदर एसिड मॉडिफाइड कॉम्पोजिट्स होते हैं, इसके अंदर एसिड भी मौजूद होता है और इसके अंदर आपका वो भी होता है फ्लोरो एल्युमिनियम सिलिकेट ग्लास भी होता है, लेकिन दोनों चीजें सेपरेट पड़ी हुई होती हैं, इसीलिए ये फ्लोराइड रिलीज कम करते हैं। जब पानी आता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है रेजिन, तो पानी अवेलेबल होता है, फिर करते हैं, क्योंकि पानी नहीं होता इनके पास,
तो ये रेडिली फ्लोराइड रिलीज नहीं करते, दे आर मोर ऑफ कॉम्पोजिट्स, लेस ऑफ ग्लास आयनोमेसमेंट्स। सारा मसला क्या है इनका, सारा क्यों यूज क्यों करते हैं, मटेरियल क्यों निकाला, मंजन क्या था बेचने का, मंजन ये था कि ये इनकी हैंडलिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू रेजिन मॉडिफाइड एंड ग्लास आयनोमेसमेंट्स, ठीक है। मार्जिनल इंटेग्रिटी पुअर है, मार्जिनल इंटेग्रिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए आज के जमाने में आप देख रहे हैं कि कॉम्पोमर को इतने ज्यादा कोई इज्जत नहीं दे रहा। रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमेसमेंट में विट्रीमर की कहानियां सुनते हैं हम, गैरी स्टोर की कहानियां सुनते हैं, वो भी एक रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमेसमेंट है, लेकिन कॉम्पोमर डायरेक्ट जो 3M का मटीरियल आता है गैस, उसकी इतनी कोई कहानी नहीं सुनते, वो इतना कोई कामयाब मटीरियल नहीं है, ठीक है। हाउएवर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू ग्लास आयनोमा सीमेंट, और कॉम्पोजिट से करीब है, फ्लोराइड रिलीज भी करता है, लेकिन मार्जिनल इंटेग्रिटी इतनी अच्छी नहीं है, और अभी तक इसकी जो है ना वो कोई कॉम्पोजिट से ऊपर नहीं गया है, इसका कोई स्टडी नहीं है कि कॉम्पोजिट से बेहतर साबित हुआ, ठीक है। डेंटिनल सेंसिटिविटी, हम सबको पता है कि डेंटिनल सेंसिटिविटी क्लास फाइव लीजन में भी हो सकती है, और रीजन यही होगा कि अगर एक वन ऑफ द रीजन ऑफ रिस्टोरिंग क्लास फाइव लीजन इज दैट पेशेंट हैज सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी कम करने के बहुत सारे तरीके कार है, हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी हम सबको पता है, रिपीट नहीं करूंगा। पल्प का कनेक्शन हो जाता है डेंटिनल ट्यूब्यूल से, डेंटिनल ट्यूब्यूल की विड्थ बढ़ जाती है, डेंटिनल ट्यूब्यूल खाली हो जाते हैं, उनके अंदर फ्लूइड फ्लो ज्यादा होता है, इसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने के लिए, पहले मैं बता चुका हूँ असल सेंसिटिविटी को रिड्यूस किस तरह करेंगे, ट्यूब्यूल्स को ऑक्लूड करेंगे, ठीक है। रूट कैरीज में ट्यूब्यूल्स को ऑक्लूड करने के लिए और ये सारी चीजें करने के लिए सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड यूज होता है, वो कहते हैं कि सिल्वर जाके डिपॉजिट हो जाता है ट्यूब्यूल्स के अंदर, सिल्वर फॉस्फेट बना लेता है और वो ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड यूज होता है, और लेकिन इसका मसला ये है कि वो ट्यूब स्ट्रक्चर को डिस्कलर कर देता है। तो ये सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस करना था बट आई कुडंट, अब अगर रूट कैरीज का मेरा लेक्चर होगा तो मैं उसमें डिस्कस करूंगा सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड को। इसके अलावा जो मार्केट नेम है वो ग्लूमा के नाम से आता है, ठीक है, ये 5% ग्लूटामाइड और हीमा होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल एथेक्लेट होता है इसमें, ग्लूमा ये डीसेंसिटाइजर के तौर पर यूज होता है। तो मैंने जैसे पहले बताया था आपको एच करें, डीसेंसिटाइजर लगाएं, बॉन्ड लगाएं और रेजिस्ट्रेशन कर दें, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं, ठीक है, आप पोटेशियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, विटामिन के यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्शियम सॉल्ट यूज कर सकते हैं, आर्जिनिन 8% आर्जिनिन कुछ फ्लोराइड्स में होता है वो यूज कर सकते हैं आप, कैल्शियम सोडियम फॉस्फेट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसी मार्केट में जो फ्लोराइड रिच सब्सटेंसेस होते हैं, फ्लोराइड वार्निशेस, वो यूज कर सकते हैं, CCP ACP यूज कर सकते हैं, कैसीन फॉस्फोपेप्टाइड अमॉर्फस कैल्शियम फॉस्फेट यूज कर सकते हैं, लेजर थेरेपीज करवा सकते हैं आप, सर्वाइकल रेस्टोरेशन करवा सकते हैं, रूट कवरेज रेस्टोरेशन करवा सकते हैं जिसमें फ्लैप प्रोसीजर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ पिक्चर्स हैं, वो पिक्चर्स देख लें फिर हम छुट्टी करेंगे, ठीक है। इस पिक्चर में इन्होंने ये बताया जा रहा है कि एब्फ्रैक्शन वेज शेप्ड है। अच्छा, याद रहे पहले एक चीज को डिस्कस किया जाता था कि पेशेंट आता है ना तो हम ज्यादातर, मैंने देखा था डायग्नोसिस पे भी हम लोग पहले ये जब इतनी नहीं थी R1 में तो यार ये देखते थे कि अब्रेजन है कि एब्फ्रैक्शन है, तो जहन में रहे अब्रेजन और एब्फ्रैक्शन की जो कहानी थी ना वो अब खत्म हो गई है। वो कहते थे पहले कि अब्रेजन अगर होगा तो अब्रेजन में जो है वो वेज शेप कैविटी जो होगी वो इरेगुलर सी होगी, ठीक है, और एब्फ्रैक्शन में वेज शेप कैविटी जो होगी वो रेगुलर होगी, और अब्रेजन में जो है वो जिंजिवा जो है वो रिसीव कर चुका होगा, एब्फ्रैक्शन में जिंजिवा रिसीव नहीं कर चुका होगा। तो याद रहे एब्फ्रैक्शन या नॉन कैरियर सर्वाइकल लीजन मल्टीफैक्टोरियल है, यू कैन नॉट से दैट देयर इज ओनली वन एटियोलॉजी विच इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ एटियोलॉजी, 3-4 एटियोलॉजीज है, उनकी मुरक्कब मिलकर ही बनता है, ठीक है। तो इधर भी ईसेंट्रिक लोडिंग हो रही है, ईसेंट्रिक लोडिंग की वजह से ये लीजन्स बन रहे हैं, ठीक है जी। ईसेंट्रिक लोडिंग की पहले हमने बात की थी, यहाँ पे देख लें ये पिक्चर डिस्कस हो चुकी है, ठीक है जी। अच्छा जी, मार्जिन ये मैंने आप पिक्चर लगाई थी लेकिन खैर ये अब छोड़ दें। अब ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये कॉनकेविटी बनी हुई थी और कॉनकेविटी को इन्होंने कोई रेस्टोरेशन नहीं किया, इसमें रेस्टोरेशन सिर्फ और सिर्फ गम को ऊपर लाके कोरोनरी एडवांस फ्लैप किया और नीचे कॉनकेविटी के अंदर ब्लड का क्लॉट बन गया, और ये ब्लड का क्लॉट बनने की वजह से ये कॉनकेविटी में अब टिश्यू आ गया है और आपने यहाँ पे फिलिंग को नहीं किया, अगर फिलिंग कर देते तो ये टिश्यू क्लॉट बनता ही नहीं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ इन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे इन्होंने इसी तरह ही किया है और इसी तरह ही ब्लड क्लॉट बन गया। अब यहाँ पे इनको करनी पड़ी रेस्टोरेशन, क्यों रेस्टोरेशन करनी पड़ी, ताकि सर्वाइकल एरिया मेंटेन्ड हो,
ठीक है, जब सर्वाइकल एरिया मेंटेन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्वाइकल एरिया अगर कन्वेक्स है तभी जो है ना आपका फायदा है, क्योंकि वो सर्वाइकल एरिया अगर कन्वेक्स नहीं होगा, अगर इस एरिया को फ्लैट कर देते हैं, अगर ये एरिया यहां से ठीक है, अगर ये एरिया फ्लैट कर देते हैं हाँ जी, अगर ये एरिया हम इस तरह रिस्टोर नहीं करते, ये कैविटी की रेस्टोरेशन हुई है, अगर ये रेस्टोरेशन हम ऐसे नहीं करते, हम इसको इस तरह कर देते हैं तो यहाँ पे टिश्यू बैठेगा ही नहीं आके, हमें टिश्यू को यहाँ पे बैठाना है ताकि एपिकल एस्पेक्ट ऑफ द रेस्टोरेशन पे आकर टिश्यू सूचर बैक करे और ये जो रेस्टोरेशन है इस टिश्यू को होल्ड करे ताकि यहाँ पे ब्लड क्लॉट बने। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसीजर है जिसमें आपने रेस्टोरेशन करेंगे, रेस्टोरेशन के ऊपर आकर फ्लैप बैठेगा ताकि फ्लैप सपोर्टेड होगा विद द हेल्प ऑफ रेस्टोरेशन और नीचे वो ब्लड क्लॉट बनेगा। ठीक है, अगर आप इस वाली पिक्चर में देखें, इस वाली पिक्चर में चूंकि पीछे ही जा चुका है, यहाँ पे पूरा पीछे जा चुका है आपका टिश्यू ऑलरेडी पीछे जा चुका है, तो कोरोनरी एडवांस फ्लैप किया इन्होंने इतना सा और यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेशन को प्लेस कर दिया। ठीक है, और अगर इस वाले पिक्चर में भी देखें तो उन्होंने क्राउन लैंडिंग की है, क्राउन लैंडिंग करके पीछे किया टिश्यू को ताकि रेस्टोरेशन को प्लेस कर सकें, क्योंकि अगर आपने टिश्यू को पीछे नहीं किया और आपने रेस्टोरेशन ऐसे ही कर दी तो गम मजीद रिसीट कर जाएगा क्योंकि बायोलॉजिक विड वायलेट हो गई है। अच्छा जी, नाउ वी हैव एंडेड अप द प्रेजेंटेशन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क। किसी को कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एनीथिंग जो समझ नहीं आई हो? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? शैल वी एंड द लेक्चर? Yes, sir. Okay. You're welcome. Allah Hafiz.